गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते सभी को. थैंक यू सो मच. वेलकम टू टुडे सेशन ऑफ वूम ऑफ मदर अर्थ. तो आइए एक छोटे से मेडिटेशन के साथ शुरुआत करते हैं. प्लीज क्लोज योर आईज. अपनी सांसों को बहता हुआ महसूस करें. डीप ब्रीदिंग करेंगे. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. Breathe in, breathe out. महसूस करें हर ब्रेथ के साथ आपका ध्यान मोर एंड मोर इस प्रेजेंट मोमेंट में सेंटर होता हुआ. महसूस करें हर सांस के साथ आप अपने अंदर की उस जगह पहुंच रहे हो जहां सिर्फ प्यार है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं और होप है. जहां बहुत ब्यूटीफुल सनशाइन हो रही है, पानी बह रहा है, खल 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 तितलियां उड़ रही है और सुंदर फूल खिले हुए हैं. महसूस करें खुद को एकदम सेफ, मानो अपनी माँ के गोद में बैठे हुए हैं. Let yourself go. Let yourself be lost. Let yourself feel this love. Feel the blessings. Notice करे कैसे आप पूरा शरीर ढीला छोड़ चुके हो. आपके चेहरे पर की रेखाएं रिलैक्स हो गई है. Your breathing is deeper and slower. और आप रेडी हो पूरे लव के साथ इस सेशन का विस्डम ग्रहण करने के लिए. बहुत धीरे से वापस आए और अपनी आंखें खोली.
I hope everyone is back. So once again, good evening everyone, और नमस्ते और वेलकम टू आज का टॉपिक जो कि है वूम्ब ऑफ मदर अर्थ. तो थोड़ी सी बात करते हैं इस पे, फिर हम एक्सपीरियंस पे जाएंगे, एक्सपीरियंस ग्रहण करेंगे, राइट. सो शुरुआत करते हैं, व्हाट इज वूम्ब. तो हमें पता है ह्यूमन बॉडीज में वूम्ब उसे कहा जाता है जहाँ बच्चे बनते हैं, 9 महीने रहते हैं और उनकी ग्रोथ होती है, उनके चक्रास बनते हैं, उनकी बॉडी डेवलप होती है एंड एवरीथिंग दैट हैपेंस. बट ये बात, ये वूम्ब सारे लिविंग बीइंग्स के पास होता है. जैसे हम अगर एनिमल्स की बात करें तो सारे एनिमल्स, जैसे मान लो कैट्स है या डॉग्स है, तो इनमें भी वूम होता है और इनके इसी वूम से दे गिव बर्थ टू देयर ऑफ स्प्रिंग्स, उनके पपीज और किटन्स को वो जन्म देते हैं. और अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स अपनी वूम में उन एग्स को ग्रोथ देती है, उन एग्स को इंक्यूबेट करती है और फिर उन एग्स में से उनके बच्चे निकलते हैं. अगर हम और छोटे एनिमल्स की बात करें जैसे चीटियां हैं या अर्थ वर्म्स है, तो ये लोग भी अपने वूम में अपने एग्स को क्रिएट करते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग्स को डेवलप करते हैं और फिर समय आने पर जन्म देते हैं. तो ये सब तो साइंस जिसे लिविंग बीइंग्स मानती है. हाँ, प्लांट्स भी तो उनके जो फ्लावर्स होते हैं और उस फ्लावर्स में जो ये वाला पार्ट होता है जहाँ पे, जहाँ से उनकी वो निकलती है, छोटी छोटी डालियाँ टाइप्स, और फिर उन डालियों के बीच ही उनका जो भी रिप्रोडक्शन होता है और फिर वहीं के वहीं उनका सीड बनता है उसी प्लांट फ्लावर के ही वूम एरिया में, और फिर उन सीड से और भी प्लांट्स मिलते हैं हमें, राइट. या फिर हमें फ्रूट्स मिलते हैं, जो फ्रूट खुद एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ वूम्ब है, क्योंकि वो फ्रूट अपने अंदर उस प्लांट के सीड्स कैरी करता है और जब ये सीड्स वापस मदर के पास जाते हैं तो उनमें से और प्लांट्स मिलते हैं हमें. तो ये सब तो जिन्हें हम साइंटिफिकली लिविंग बींग्स मानते हैं उनकी बात हुई, पर क्योंकि हम स्पिरिचुअल साइंस में है उदय सर के साथ, तो हम तो 5 एलिमेंट्स को भी लिविंग मानते हैं, हम तो अर्थ को मदर अर्थ बुलाते हैं और स्काई को फादर स्काई बुलाते हैं. तो जैसे ही बाकी सारे लिविंग बीइंग्स के पास वूम है जहाँ से वो अपनी ऑफस्प्रिंग्स क्रिएट करता है, वैसे ही हमारी मदर अर्थ के पास भी वूम है जहाँ से वो अपने अपने ऊपर जो लाइफ चल रही है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स है, प्लांट्स और एनिमल किंगडम्स है, तो इन सभी को अर्थ पे बुलाने वाला कौन है? तो जो मदर अर्थ का वूम है वो हम सभी को जन्म देता है, तभी हम मदर अर्थ पे बर्थ ले पाते हैं, आ पाते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस ग्रहण कर पाते हैं. तो वूम का और क्या काम होता है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है वो है क्रिएशन. वहाँ लाइफ क्रिएट होती है, नए नए बीइंग्स जन्म लेते हैं. और क्या चीजें होती है? अगर हम मदर अर्थ की बात करें तो हम मतलब कि ह्यूमन रेस कितने सालों से जीती आई है, मदर अर्थ कैसे हमें मदद करती है हमारे सारे एक्सपीरियंसेस ग्रहण करने के लिए, हमें फ्री विल देती है, वो हमें कभी रोकती टोकती नहीं, ये नहीं बोलती कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, जैसे एक्सपीरियंसेस हम लेना चाहते हैं हमें वो लेने देती है, हमें पूरे प्यार के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ वो इस दुनिया में वेलकम करती है. और जब तक हम अपनी लाइफ टाइम जी रहे होते हैं, मदर अर्थ अपने वूम से फ्रूट्स प्रोवाइड करती रहती है, वेजिटेबल्स देती रहती है, ग्रेन्स देती रहती है, और हमें पानी भी तो मदर अर्थ से ही मिलता है. अगर मदर अर्थ ना होती
तो रिवर्स ना होते, ओशंस ना होते, हमें अपने आसपास जितनी भी सुंदर चीजें दिख रही है ये कहाँ से आती है? कहीं ना कहीं तो हम इसे मदर अर्थ से ही लेते हैं। हमारे जो घर बने हुए हैं, जो भी ब्रिक्स या सीमेंट से बने हुए हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो मदर अर्थ की ही तो अलग अलग स्टोन्स से आते हैं या सॉइल से आती है। हम जो भी फैब्रिक्स यूज करते हैं पहनने के लिए, बिछाने के लिए, ये भी तो मदर अर्थ के ही प्लांट्स है जो हमें गिफ्ट्स देते हैं। तो देखिए, और कौन सी प्रॉपर्टी हुई मदर अर्थ की? वो हमें सिर्फ बर्थ ही नहीं देती, वो हमें हमारा पूरा जीवन चलाने के लिए अलग अलग वस्तुएं देती है। और हमें क्या मिलता है? और मदर अर्थ के पास क्या क्या है? मदर अर्थ के पास विजडम है। उनको पता है कि अगर ये बहुत हीटेड रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन है, तो यहाँ मुझे कैसे फ्रूट्स उगाने हैं, यहाँ के जो लोग हैं या एनिमल्स हैं इनको कैसे खाने की जरूरत है। तो वहाँ पे वो कोकोनट उगाती है, जिस वाटरमेलन उगाती है जिसके अंदर बहुत सारा पानी होता है, जिसके अंदर बहुत सारी वेलनेस प्रॉपर्टीज होती है, जो कि ऐसे रीजन्स वाले लोगों को काम आती है। और जो लोग बहुत कोल्ड रीजन्स में रहते हैं, तो उन्हें मदर अर्थ क्या देती है? उन्हें मदर अर्थ एप्पल्स देती है, जो कि हमें सबसे पॉपुलरली पता है। तो इसे स्पीचेस देती है। तो इस हिसाब से मदर अर्थ के पास ये विस्टम भी है कि उनके बच्चों को कहाँ क्या चाहिए, किस सिचुएशन में क्या देना है। तो ये जो वेरिएशंस मदर अर्थ क्रिएट करती है अपने विस्टम के साथ, ये भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि सिर्फ मदर अर्थ के ही नहीं, के पास ही नहीं है, बट जितने भी लिविंग बीइंग्स है, जितने भी लिविंग बीइंग्स है जिनके पास क्रिएटिविटी है, उन सब के पास ये प्रॉपर्टीज है। अगर हम हमारी माँ को देखें, तो हमारी माँ को पता होता है कि हमें कौन सी चीजें खाने में चाहिए, हमें आज कौन सी बुक्स की जरूरत पड़ेगी, हमें आज कैसे कपड़े पहन के निकलने चाहिए, आज तो बरसात होने वाली है, आज बहुत ठंड है, बेटा स्वेटर पहन के जाओ। तो यही सब चीजें होती है जो एक माँ हमारे लिए करती है, और सेम मदर अर्थ हमारे लिए करती है। और मदर अर्थ खुद इतनी लव में रहती है कि वो अपने सारे बच्चों तक अपना ब्लिस पहुंचाते रहती है। तो हम भी यही बनना चाहेंगे, हम भी उसी लव का शावर बनना चाहेंगे, और हम हमारे आसपास के सभी सोल्स के लिए यही लव फैलाना चाहेंगे, ताकि हम सब एक साथ इवॉल्व हो, एक साथ हम इवॉल्व तो हो ही, पर बहुत हंसी खुशी से अपनी जिंदगी पर बिताए, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस ले, हमारे लेसन्स ग्रहण करें। तो ये लेसन्स ग्रहण करना लव के साथ बहुत इजी हो जाता है। लव हमें कंफर्ट और वार्मथ देती है ये सारे लेसन्स एक्सेप्ट करने के लिए। तो आइए हम सभी कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर के वूम और मदर अर्थ के वूम को हम एक्सपीरियंस करें, और ये जो सारी प्रॉपर्टीज है जो मदर अर्थ के वूम की है, ये अपने अंदर भी जगाए, और हम भी उसी प्यार का सागर बने जो हमारी मदर अर्थ है। तो आइए वंस अगेन क्लोज योर आईज और हम करते हैं आज का एक्सपीरियंस। टेक योर अटेंशन बैक टू योर ब्रीदिंग। खुद को खोने में अपनी सांसों के इस आवन जावन में,
अपना ध्यान ले जाएं अपने हार्ट चक्र पे, हर ब्रेथ के साथ महसूस करें इंटेंशनली अपना हार्ट चक्र एक्सपांड होता हुआ। महसूस करें अपना हार्ट चक्र धीरे धीरे एक्सपांड होते हुए आपके शोल्डर्स तक फैल चुका है। हर सांस के साथ आपका हार्ट चक्र और एक्सपांड हो रहा है। देखिए कैसे ये आपके हाथ जितना बड़ा हो गया है। आपकी पूरी अपर बॉडी और नीज तक का रीजन और दोनों हाथ आपके हार्ट चक्र के अंदर आ गए हैं। और आपके अंदर का नाम हार्ट चक्र के एक्सपांड होने के कारण बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यू आर एबल टू रिसीव मोर एंड मोर लव। और यही बढ़ता हुआ लव आपके बॉडी के अंदर बह रहा है। महसूस करें कैसे इस लव के साथ आपकी पूरी अपर बॉडी रिलैक्स हो चुकी है। और एक्सपांड हो रहा है आपका हार्ट चक्र। आपके दोनों पैरों तक पहुंच गया है आपका हार्ट चक्र। आपके पैर रिलैक्स होते हुए अपना ध्यान अपने दोनों पैरों के तलवों की ओर ले जाएं। और अपने दोनों हाथों की ओर लाएं। हर सांस के साथ महसूस करें जैसे जैसे
आपके अंदर और लव बह रहा है। आपके हाथों के दोनों चक्र और पांव के दोनों चक्र एक्टिवेट होते जा रहे हैं। और एक्सपांड करें अपना हार्ट चक्र। देखिए धीरे धीरे आपका पूरा रूम जितना बड़ा हो गया है, अपना आपका हार्ट चक्र जैसे आप अपनी बॉडी को महसूस करते हैं वैसे ही आप आपके रूम के अंदर की हर चीज को महसूस कर रहे हैं। आपके रूम में चलता हुआ पंखा, आपके रूम में जो टेबल है या बेड है या सोफा है, इनको भी अपने अंदर महसूस करो, मानो ये आपकी ही बॉडी का कोई पार्ट है। अगर आपके रूम में कोई बैठा हुआ है तो उन्हें भी अपनी बॉडी का पार्ट समझे। और एक्सपांड करें अपना हार्ट चक्र। अपना पूरा घर महसूस करें अपने हार्ट चक्र के अंदर। महसूस करने की कोशिश करें आपके घर के अलग अलग कमरों में क्या चल रहा है। कहीं रसोई हो रही है या कहीं बातें कर रहे हैं। कोई अपना काम कर रहा है। सभी एक्टिविटीज को बाहर से नहीं बल्कि मानो आपकी बॉडी में ही हो रही हो वैसे महसूस करें। और एक्सपांड करें अपना हार्ट चक्र। धीरे 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 महसूस करें आपका हार्ट चक्र आपके पूरे सिटी को कवर कर रहा है।
और ये जो लव आपके अंदर में ना आ रहा है, ये हर लिविंग बीइंग को मिल रहा है जो आपके इस हार्ट चक्र के अंदर में। अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है तो ये बारिश आपके इसी लव की हो रही है। और हर घर को, हर कोई जो इस बारिश में भीग रहा है, उनको आपका लव महसूस हो रहा है। और एक्सपांड हो रहा है आपका हार्ट चक्र, आपका पूरा स्टेट, आपकी पूरी कंट्री अब आपके हार्ट चक्र में आ चुके हैं। करते जाए करते जाए आपके लिए और आसान होता जा रहा है अपने हार्ट चक्र को एक्सपांड करना। और आपका हार्ट चक्र सहज ही एक्सपांड होते जा रहा है। धीरे धीरे देखते देखते आपका हार्ट चक्र पूरे मदर अर्थ को एनकैप्सुलेट करना है। मानो पूरी मदर अर्थ आपके हार्ट चक्र के अंदर अब आप और मदर अर्थ एक ही है। आप ही मदर अर्थ हैं और मदर अर्थ ही आप हैं। अब खुद को ले जाए खुद को पाए एक गुफा के अंदर। एक गुफा जहां बहुत कम लाइट आ रही है बाहर से, गुफा की ठंडक को महसूस करें, हल्की सी नमी वाली ठंडक।
महसूस करें। इस उपाय को क्योंकि एक वूम के शेप की बनी हुई है, गुफा का जो गोल आकार है ये वूम के शेप से मिलता है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। गुफाएं ऐसी जगह है जो मदर अर्थ के वूम के फिजिकल मैनिफेस्टेशंस में और जैसे वूम में क्रिएशन का पोटेंशियल होता है वैसे ही गुफाओं के अंदर क्रिएशन का पोटेंशियल होता है, तभी तो साधु महात्मा गुफाओं में जाकर अपनी तपस्या करना पसंद करते हैं, ताकि मनहरण के साथ मिलके उनकी इस पोटेंशियल एनर्जी को ग्रहण करके खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाए। आप जिस गुफा में हैं, आप जो रूप में हैं मदर अर्थ के, इसको महसूस करें। मूड में हम कैसे फ्लोट करते हैं, हमारे अराउंड बहुत सारा न्यूट्रिशनल प्लेसेंटा होता है, महसूस करें इसी नरिशिंग मदर अर्थ की प्लेसेंटा को अपने अराउंड महसूस करें। उनके रूम में खुद को फ्लोट करता हूँ एक बेबी की तरह, जब हम रूम में होते हैं तब हमारी बॉडी हमारे चक्रास डेवलप होते हैं, नरिश होते हैं और उनकी केयर भी होती है साथ ही साथ। वैसे ही महसूस करें आपको मदर अर्थ नरिश करती हुई, नार देती हुई। जिस भी प्राणी का वूम होता है उस वूम के अंदर जो भी जीव होता है ये इसी प्राणी का शेप लेता है। ये
ह्यूमन के वूम्ब में जो बेबी है ये ह्यूमन का शेप लेता है, वैसे ही आप मदर अर्थ के वूम्ब में हैं, तो आप भी मदर अर्थ का शेप ले रहे हैं। जैसे हमारे नेवल से हमारे मॉम की नेवल तक कॉर्ड कनेक्टेड होती है उनकी वूम के वॉल के थ्रू, वैसे ही इस गुफा के साथ एक अनबिलिकल कॉर्ड कनेक्टेड पाई। देखिए कैसे मदर अर्थ इस अनबिलिकल कॉर्ड के थ्रू आपकी तरफ बहुत सारा लव भेज रही है। अपनी सारी ब्लेसिंग्स वो आपके ओर भेज रही है। महसूस करें आपके अंदर भी मदर अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी डाउनलोड होती हुई। महसूस करें अपना पोटेंशियल बढ़ता हुआ। अपने इस बढ़ते हुए पोटेंशियल के साथ आपका हर कार्य सिद्ध होगा। अपने इस बढ़ते हुए पोटेंशियल के साथ आपको एक नई डेप्थ मिल रही है। हर एरिया ऑफ लाइफ के लिए आप जो भी परस्यू कर रहे हो, जॉब, करियर, मोक्ष, evolution and transformation, आप इन सारे pursuits को और अच्छे से निभा रहे हो। आपके जितने भी हर्डल्स थे आप धीरे धीरे उन्हें आसानी से पार कर पा रहे हैं। आपके अंदर का ये पोटेंशियल आपके साथ खिलता जाना है।
और आप अपना बेस्ट वर्जन बन पा रहे हो। अपना बेस्ट वर्जन यानी आप हर वो चीज बखूबी निभा पा रहे हो जो निभाने की आपकी इच्छा है। बहुत अच्छी हीलिंग कर रहे हो, पूरी निष्ठा के साथ योगा कर रहे हो। पूरी निष्ठा के साथ आपके लाइफ का जो भी परस्यूट है उसको निभा रहे हैं। आपके और आपके गोल्स के बीच केवल समय की दूरी है। आपके अंदर पूरा पोटेंशियल है उन गोल्स तक पहुंचने का, और आपके प्रयास बैलेंस्ड है। महसूस करें अब मदर अपनी क्रिएटिविटी आपको देती है। आपके अंदर का जो क्रिएटिव स्थान है ये एक्टिवेट होता हो। अब आप जो भी काम कर रहे हो इसमें आपकी क्रिएटिविटी आपकी बहुत मदद कर रही है। आपकी ये क्रिएशन की पावर आपकी और आपके अराउंड सारी सोल्स की लाइफ में और मोर एंड मोर लव ला रही है। अब बहुत सारा लव क्रिएट कर अपने आसपास फैला रही हूँ। आप इस लव को फैलाने के नए नए तरीके ढूंढते हैं। और आपका इसी लव और क्रिएटिविटी का मिश्रण आपके अराउंड सभी की लाइफ और आपकी लाइफ ब्लिसफुल बना रहा हूँ। आप आपके अंदर से बहते हुए इस लव को मोर एंड मोर क्लियरली महसूस कर पा रहे हो।
इस क्रिएटिविटी के साथ आप आपकी लाइफ में बहुत सारे वेरिएशंस ला रहे हो। ऐसे हर वेरिएशन जो आप चाहते हो इस बर्थ में एक्सपीरियंस करने का, ऐसे हर वेरिएशन जो जरूरी है आपकी ग्रोथ के लिए, आपके गोल्स तक पहुंचने के लिए, इसी वेरिएशन के साथ आपकी लाइन्स एक बहती धारा बन चुकी है, जिसको आप हर मोमेंट बस फ्लो होने देते हो। इस बहती धारा के साथ वो हर चीज छूटती जा रही है जो हमने जाने अनजाने पकड़ के रखी है। अब हम इस बहती धारा के प्रेमी बन चुके हैं। अब हमें और कोई चीज नहीं भाती, बस लाइफ के साथ हम फ्लो होना चाहते हैं। इस लाइफ के फ्लो के साथ आपके पास में जो भी पत्थर आ रहे हैं, जो भी नए नए मोड आ रहे हैं, आप जिन भी टेरेन से गुजर रहे हो, स्मूथ या रफ, ड्राई या बाउंडफुल, इन सभी टेरेन को आप पूरे लव के साथ एक्सेप्ट करते हो और इन सभी टेरेन के एक्सपीरियंस ग्रहण करते हो, अपने अंदर उतारते हो। क्योंकि आपका पोटेंशियल और आपका एक्सेप्टेंस अब बढ़ गया है, आपका टॉलरेंस और पेशेंस भी बढ़ते जा रहा है। आप बहुत सारे लव के साथ उस हर चीज को टॉलरेट कर पाते हो, एक्सेप्ट कर पाते हो जो अभी तक आपके अंदर पेन कॉज कर रही थी। क्योंकि आपको पता है आपके पास अब मदर अर्थ का पोटेंशियल है और आपके और आपके गोल्स के बीच केवल समय की दूरी है। आप इस समय की दूरी को काटने के लिए पेशेंस रख रहे हो। आपको फेथ है
अपनी लाइफ पे अपने अंदर से बहती हुई इस लव की धारा पे कि आपको कभी ना कभी आपके गोल्स के पास पहुंचा ही देगी। कहीं ना कहीं तो इस नदी को अपना सागर मिलेगा। बस अपनी इसी लाइफ को ऐसे ही पूरे लव के साथ हम बहने देंगे। हम बस ऑब्जर्व करेंगे, विटनेस करेंगे, हम इन्वॉल्व भी होंगे, पर केवल एक्सपीरियंस लेने के लिए। और जैसे ही हमारा एक्सपीरियंस ग्रहण हो जाता है, हम उस एक्सपीरियंस से बाहर भी आ जाएंगे। वापस उसी फ्लो में बहने लगेंगे। क्योंकि अब हम मदर अर्थ बन चुके हैं। हम ऐसे ही हमारे सारे बच्चों को प्यार देते रहेंगे। मिस करते रहेंगे। हम भी हमारे बच्चों का भला चाहेंगे। हमारे बच्चे यानी मदर अर्थ के सारे बच्चे क्योंकि हम ही तो मदर अर्थ हैं और मदर अर्थ हम में ही तो है। इसी ब्लिस को महसूस करें। महसूस करें। देखिए, आप अब पूरे ग्रो हो चुके हो और आपका समय आ गया है अब मदर अर्थ के वोम से बर्थ लेने का। इस गुफा में जिसका बहुत छोटा मुंह था, उसमें से रोशनी की बस एक किरण आ रही थी। इस गुफा के मुंह को खुलता हुआ देखे जैसे जैसे ये गुफा करने खोल रहा है आपके तरफ आती हुई रोशनी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है।
गुफा का मुंह खुलते ही जो प्लेसेंटा था वो गुफा के मुंह की ओर बहने लगा है आपको लेते हुए। और आपकी लाइफ रूपी जो नदी है ये मदर अर्थ के वोम्ब से बहना चालू हो गई है। आप इस लाइफ रूपी नदी में आगे बढ़ते जा रहे हो, मरते जा रहे हो। और अपने आसपास के सारे फूल सारे कांटों के प्यार देते जा रहे हैं, एक्सपीरियंस करते जा रहे हैं। और चाहे आपके रास्ते में पत्थर आए या फूल आए, आप दोनों को केवल प्यार करना जानते। देखिए अपना ये नया बर्थ, अपनी ये नई सुबह आपके लिए क्या क्या एक्सपीरियंसेस लेकर आती है और कैसे आपका पैशन आपकी क्रिएटिविटी आपका कंपैशन आपको हर एक्सपीरियंस के थ्रू ले जाती है रिजोल्यूशन की ओर। ये नदी रूपी सागर लाइफ के अंत में जो सागर है उसकी ओर ये सागर जहां हजारों नदियां ऑलरेडी मिल चुकी है और जहां आप भी अपनी लाइफ के बाद वापस जाओगे। बस इसी प्यार के साथ इस परमात्मा रूपी सागर तक हम चलते जाएंगे। और हमारे आसपास के सभी लोगों को इस प्यार की बूंदें चखाते जाएंगे। वापस महसूस करें अपने हार्ट चक्र में मदर अर्थ। महसूस करें अपना एक्सपांडेड हार्ट चक्र धीरे धीरे
इस हार्ट चक्र को वापस अपने शरीर में आता हुआ महसूस करो। आपने मदर अर्थ से जो भी एक्सपीरियंसेस लिए, इन सभी का ग्रेटिट्यूड देते देते अपने हार्ट चक्र को वापस अपनी बॉडी में आता हुआ महसूस करो। आपने अपनी कंट्री से, अपने स्टेट से, अपने शहर से जो भी एक्सपीरियंसेस लिए, जो भी अच्छी बुरी चीज ग्रहण करी, उनका ग्रेटिट्यूड देते हुए वापस अपने हार्ट चक्र को अपनी बॉडी में आता हुआ महसूस करें। आपके घर में जो भी कोई आपके फैमिली मेंबर्स आपके साथ रहते हैं या आपको जो भी एक्सपीरियंसेस देते हैं डेली बेसिस पे, इन सभी एक्सपीरियंसेस का बहुत सारा ग्रेटिट्यूड देते हुए अपने हार्ट चक्र को वापस अपनी बॉडी के अंदर आने दें। फाइनली आपके इस बॉडी ने आपको जो भी एक्सपीरियंसेस लेने का मौका दिया, ये ब्यूटीफुल लाइफ जीने का मौका दिया इस बॉडी का, ये बॉडी देने वालों का ग्रेटिट्यूड करते हुए वापस अपने हार्ट चक्र को अपनी जगह महसूस करें। केवल आपका हार्ट चक्र आपकी जगह वापस आया है, पर आपके अंदर से अभी भी उतना ही लव बह रहा है जितना पहले बह रहा था जब हार्ट चक्र एक्सपांडेड था, और यही बहता हुआ लव आपकी हर सांस के साथ आपकी बॉडी से अंदर बाहर कर रहे हैं। यही लव आपके दोनों पाम चक्रस, दोनों लेग चक्रस से बह रहा है। आपके पाम चक्रस से फादर स्काई की ओर और आपके लेग चक्रस से मदर अर्थ में वापस। जैसे हमारा हार्ट पूरी बॉडी में लव ब्लड फैलाता है और वो सारा ब्लड वापस हमारे हार्ट में जाता है, वैसे ही आपके अंदर से पूरे यूनिवर्स में लव बहना है और पूरे यूनिवर्स से होके वापस आपके अंदर समा रहा है। इसी चलती हुई प्रोसेस को हमेशा महसूस करें, हमेशा चलने दें। जब तक हार्ट चलता है तभी तक हम चलते हैं, वैसे ही जब तक आपके अंदर से लव अंदर बाहर बहेगा
आप भी अपनी लाइफ के साथ जो हो पाओगे आपकी लाइफ भी चलती रहेगी। तो बस हमेशा इन दरवाजों को खुला रखे, और अपने अंदर सारे फूलों की खुशबू, सारे कांटों का पेन लेते जाए, और बैठते जाए। अपनी बहती हुई सांसों की ओर वापस अपना ध्यान ले जाएं। महसूस करें धीरे धीरे अपनी पूरी बॉडी को अपने दोनों हाथों और पांव को अपने बीट करते हुए हार्ट को और वापस इस प्रेजेंट मोमेंट में इसी ब्लिस को अपने अंदर उतारते उतारते वापस इस प्रेजेंट मोमेंट में आए। और जब भी आप रेडी हो बहुत प्यार से अपनी आंखें खोलो। चलिए, आज बहुत मज़ा आया इस सुंदर सेशन के साथ, और हम सभी को आज मदर अर्थ के वूम का एक्सपीरियंस हुआ। तो वापस कल मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मज़ा आ गया।